इस क्वेश्चन में आपको 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 इक्वल्स टू प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7 किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan इनवर्स 31/17। सिंपल है, आप LHS कंसीडर कर लीजिए, से दैट इज LHS, हम यहीं से शुरुआत कर दे रहे हैं और इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। RHS तो हमें प्रूफ करना ही है, तो आपका ये 2 tan इनवर्स 1/2, आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट कुड बी रिटेन एज ए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, ठीक है। कोई ज़्यादा फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी है। तो अपना यहाँ तो है x, क्या आपका है 1/2 है, और y कितना है, दैट इज ऑल्सो 1/2, तो बताइए यहाँ से x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 1/2 × 1/2, दैट मीन्स 1/4, और 1/4 एक से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब इस रिस्ट्रिक्शन को हमारा गिवन डेटा फॉलो करता है, इसका मतलब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 होल अपॉन 1 माइनस 1/2 × 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ, अच्छा ये प्लस भी है साथ में, tan इनवर्स 1/7 लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है, या 2/2 कह लीजिए, और नीचे कितना आ गया आपका 1/4, यहाँ पे 1/2 × 1/2 1/4 हो गया, और 1/4 4 × 1 = 4 - 1 ये 3/4 हो गया, ठीक है। ये पलटेगा कितना आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप वेरिफिकेशन करोगे कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कम है। तो यहाँ देख लीजिए, जो x इंटू वाई आ रहा है दैट इज 4/3 × 1/7, दैट कम्स आउट टू बी 4/21। अब बताइए 4 तो बहुत छोटा है 21 से, तो ये जो कोसेंट आएगा इसका वो 1 से बहुत छोटा आएगा, मतलब ये वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 1/7 ओवर 1 - 4/3 × 1/7, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा रिस्ट्रिक्शन चेक करने की आदत डाली है ना, अदरवाइज आपसे कभी गलती हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रिस्ट्रिक्शन हमेशा चेक करने की आदत डालिए कि क्या हम ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, खैर। तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 इधर मिलाया होगा, 3 इधर मिलाया होगा, तो 7 × 4 = 28 और प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन 3 × 7 होल अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - 4/21। अब यहाँ 21 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 1/1 है, ठीक है, तो 1 इधर मुड़ लाएगा और 21 इधर मुड़ लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 21 होल अपॉन 21, ये 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ 31 अपॉन कितना आ जाएगा, 17, दैट्स वी हैव टू प्रूव, यही आपका क्या था, RHS। तो बहुत ही सिंपल होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन।